सूचना अधिकारियों द्वारा समय पर सूचना नहीं देने पर आयोग द्वारा उन पर जुर्माना लगाया जाता है, लेकिन सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से वह जुर्माना राशि वसूल नहीं की जाती। करीब 2,50,00,000 रुपए की राशि उन पर बकाया है। इसलिए अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी एवं TN शर्मा ने अजमेर निवासी RTI कार्यकर्ता और पब्लिक अगेंस्ट करप्शन संस्था के आजीवन सदस्य तरुण अग्रवाल के जरिए जनहित याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश की। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती एवं जस्टिस सतीश चंद शर्मा की खंडपीठ ने बहस सुनकर राज्य सूचना आयोग को निर्देश दिए कि सभी देय जुर्माना तुरंत वसूले। याचिकाकर्ता तरुण अग्रवाल की तरफ से पैरवी करते हुए अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी एवं TN शर्मा ने कोर्ट को बताया कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग के समक्ष होती है एवं सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत सूचना राज्य सूचना आयोग को यह अधिकार है कि वह लोक सूचना अधिकारी के दोषी पाए जाने पर उन पर 25,000 रुपये तक जुर्माना वसूल कर सके। याचिकाकर्ता को राज्य सूचना आयोग के द्वारा सूचना के अधिकार के अंतर्गत ज्ञात हुआ कि पिछले करीब 10 वर्ष से दोषी अधिकारियों से करीब 2,50,00,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया जाना बाकी है, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से जुर्माना राशि वसूल नहीं किए जाने से सूचना के अधिकार का महत्व कम हो रहा है तथा लोक सूचना अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। मगर ना तो सरकार और ना ही सूचना आयोग सभी देय जुर्माना वसूल करने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठा रही। इस संबंध में याचिकाकर्ता ने मुख्य सचिव एवं राज्य सूचना आयोग के रजिस्ट्रार को नोटिस भी भेजा था, मगर उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिका में सूचना के अधिकार अधिनियम की प्रभावी रूप से पालना करवाने एवं देय जुर्माना की तुरंत वसूली के निर्देश देने की प्रार्थना की गई।